नमस्कार। जिज्ञासा को जगाने के क्रम में आज हम 38वीं कड़ी में हैं। अब तक हम विज्ञान के विकसित रूप के आधार पर बातें कर रहे थे, विज्ञान के जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पर बात कर रहे थे, और विकसित विज्ञान के नज़रिया से वैदिक चिंतन को देखने के प्रयास कर रहे थे। आज इस कड़ी में हम इसको विपरीत दृष्टि से देखते हैं। आज विज्ञान ने जो अभी सिद्ध नहीं किया, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि विज्ञान विकसित हो चुका है, विज्ञान का विकास क्रम जारी है और वो चलता रहेगा, यही एक लक्षण है विज्ञान का, उसका कोई अंत नहीं है। जो 10 साल पहले संभव नहीं था वो अब संभव है, जो 20 साल पहले संभव नहीं था वो 10 साल पहले संभव था, इसी प्रकार से बहुत बातें सामने आती जा रही हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा, ये हर जगह में हर क्षेत्र में छाया हुआ है। तो आज हमारी बात है मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन में भारत के इतिहास में अथवा भारत के परंपराओं में अथवा भारतीय समाज में अथवा वैदिक चिंतन में अनेक प्रकार के रूप परिवर्तनों की चर्चा आती है। उदाहरण के लिए दमयंती का स्वयंवर चल रहा है तो नल का रूप धारण करके सारे देवताएं वहां पर आ गए थे। अशोक वाटिका में सीता जी थी, उनसे मिलने बार बार अपना रूप परिवर्तन करके वहां रावण पहुंचते थे। अहल्या इंद्र मोहित था अहल्या पर, तो इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके वहां पहुंचा। ये कुछ हम जो हमारे पौराणिक गाथाओं में सुनते आते हैं। फिर इसी तरीके से जहाँ पहाड़ी इलाका, जो पर्वतीय स्थान है, जहाँ पर हम टोना टोटका चलता है ऐसे मानते हैं, वहाँ पर भी बहुत ऐसे कहानियाँ हमको सुनने को मिलते हैं कि तंत्र से इंसान को बाघ बना दिया, बकरी बना दिया, इस तरीके की बहुत बातें चलती हैं। और कहीं कहीं जो कथाएं अथवा जो किंवदंतियां फैली रहती हैं, तो वहाँ पर कहते हैं कि वह इंसान, वो तांत्रिक हैं, वो बाघ बन गया और गायों को खा लिया। ये बहुत अक्सर आम बात है। यदि हम भारत के कोने में जाएंगे, रिमोट एरियाज में जाएंगे, पर्वतीय स्थानों पे जाएंगे, तो ये बातें चाहे डर से कहिए चाहे आस्था से कहिए, अधिकांश लोग इसको मानते हैं। जब सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए जब चंडी पाठ अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, जैसे नवरात्र आ गए सप्तशती का पाठ कराते हैं, करते हैं विद्वान लोग, उसको मानते हैं और वह सामने देखते हैं अभीष्ट फल की सिद्धि होते हुए, वहाँ जब देवी और असुरों के बीच में जब युद्ध होता है तो उसमें भी कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं, असुर अचानक वो शेर का रूप धारण किया अथवा कुछ कोई दूसरा रूप धारण किया, फिर उसी प्रकार के रूप धारण करके देवी वहाँ पर जंग लड़ रहे हैं, इत्यादि बातें। तो ये आज असंभव चीज़ हैं। जैसे हम कहते हैं, जब हम पढ़े लिखे हैं, प्राचीन शिक्षा पद्धति से हटकर नवीन शिक्षा पद्धति में हम लिटरेसी की बात, पढ़ने लिखने की बात, जो शिक्षित होने की जो बात करते हैं, तो उस दृष्टि से देखें तो ये असंभव सी बात है। किंतु आने वाले कल विज्ञान इसी चीज़ को सिद्ध करेगा और इंसान अपना रूप परिवर्तन भी कर लेगा। अभी तक तो हमारे सामने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में आ गया, या डाटाबेसेस को हेरा फेरी करने का, कार्ड्स की क्लोनिंग बनाने का, या उसको उसकी आइडेंटिटी को परिवर्तन करने का, इत्यादि बातें जो आ गई हैं, और महज 10 या 15 साल लगेंगे इसमें,
जिस प्रकार से मानव अपने बुद्धि का प्रयोग तकनीकी पर लगा रहा है और जिस तेजी से आविष्कार का जगत चल रहा है, उपकरणों का निर्माण हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को जहां हटा के मानव जैसे ही काम करने वाले रोबोट इत्यादि का जहां पर आविष्कार हो रहा है, तो वहां ये केवल 10 या 15 वर्ष ही लगेंगे कि इंद्रजाल को हम भूल जाएंगे, आंख बांधने की जो प्रक्रिया होती है इंद्रजाल में उसको भी भूल जाएंगे और इंसान को इंद्रजाल की आवश्यकता नहीं होगी। वह केवल एक बटन दबाते ही वो बकरी भी बन सकता है, बाघ भी बन सकता है। और इस रूप परिवर्तन का, क्योंकि अभी मेथा बुद्धि का प्रयोग करके ही हमने बिना स्पर्श किए और अनुभव प्राप्त कर लेते हैं बहुत वस्तुओं का, स्थायी भाव की उत्पत्ति हो जाती है, रसास्वादन हो जाता है, तो ये महज 10 या 15 साल का ही समय लगा हुआ है। अब यहाँ हम इस दृष्टि से भी उस भारतीय चिंतन का विचार कर सकते हैं। अगली पीढ़ी विज्ञान का, रूप परिवर्तन का है, और वह जहाँ सिद्ध हो गया तो वहाँ पर इंद्र का गौतम के रूप में परिवर्तन होने का जो रूढ़ार्थ है, उस रूढ़ार्थ को भी हम मान सकते हैं। अथवा नल के रूप धारण करके आने वाले देवताओं को भी मान सकते हैं। ये एक हमारे चिंतन के तरीका भी हम इसको बना सकते हैं। जिस जिस समय में जो जो बात संभव नहीं था, जिस जिस समय में जो असंभव बातें थी, उनका उस समय के पहले भारतीय चिंतन में स्थान था या नहीं, इस प्रकार हम रिवर्स मोड पे भी चलकर हम विज्ञान के उन पहलुओं को हमारे चिंतन से, वैदिक चिंतन से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। फिर हम तो उम्मीद नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि विज्ञान रूप परिवर्तन अगले 10 वर्षों में कर लेगा, और यदि वो कर लिया तो फिर अधिकांश कार्य हमारा जो शोध में सिद्ध करने चाहिए, वो अधिकांश कार्य हमारे ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। फिर अगले कड़ी में किसी एक विशेष बिंदु को लेकर आपके सामने आते हैं। तब तक धन्यवाद।